Hello everyone, welcome to my channel's VS Education Hub. Today I am here to discuss IBPS CLERK Mains 2019, right? जिनका भी एग्जाम्स है 19th अब जनवरी को उनके लिए एक वीडियो लाया हूँ. DI का क्वेश्चंस आज अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. बहुत ही अच्छा DI है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है. ओके, आज अपना टॉपिक से बेस्ड ऑन डिस्काउंट. माय डियर एस्पिरेंट्स, जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने आपके LIC असिस्टेंट मीन्स का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें एग्जाम्स दिया था, तो उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन DI का दे रखा था 100%. जिस किसी स्टूडेंट ने दिया है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस सर बिल्कुल दिया हुआ था डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, प्लीज टाइप कीजिएगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो उसी की अपन आज इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे. ओके, पूरा सेशन देखिएगा. अगर कोई भी आपको डाउट्स लगे बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको 100% समझ में आएगा. फिर भी डाउट्स रह जाता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा. ओके, अगर आप RBI या SBI क्लर्क किसी भी आप एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी उनके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्काउंट्स रिलेटेड आपको DI ना मिले पर फिर भी आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनमें एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो वह भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, तो मेन्स होगा तो उसमें से इंपॉर्टेंट रोल करेगा ही, इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, देन लाइक कर दे वीडियो को, देन शेयर कर दे वीडियो को, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए. माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, प्लीज टू शेयर द वीडियो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. देखिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं, आज अपनी 5th क्लासेस है, 5th DI सेट्स आज अपना डिस्कशंस करेंगे, 4th DI सेट्स टॉपिक बेस्ड पर, ओनली फॉर प्लीज लिसन टू केयरफुली, टॉपिक बेस्ड पर मैंने डिस्कशंस कर लिए हैं. लास्ट क्लास से अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हुए जो आपका टॉपिक लैक करता है, जिसमें आपके इसमें हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, वो टॉपिक जो आपको लगता है कि मेरे वीक हैं वो आप जाके देख सकते हैं. मेरी प्लेलिस्ट मैंने हुई है टॉपिक बेस्ड DI, उसमें आप जाके देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस को. बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है DI, इससे अप लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इससे लो लेवल ही आपको क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे. ये प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी. ओके, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी मैं आपको दे दूंगा, इन सारे DI का ऑल ओवर जो क्लासेस हुई है पूरा का पूरा PDF आपको मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सर हमको PDF भी चाहिए. ओके, देखिए ये क्लासेस हुई थी बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम्स, राइट, इसके रिलेटेड एक DI मैंने डिस्कशन किया था, आई होप आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं, क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. एक हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें बेसिस पे ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का भी दे रखा था, इसमें डिस्काउंट नहीं था, तो आज मैंने समझा अपन डिस्काउंट भी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. ओके, टाइम एंड वक्त यानी कि समय और कार्य के बेसिस पर भी मैं डिस्कशंस कर चुका हूं, अब जाके देख सकते हैं. ओके, बोट अब ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड ये भी टॉपिक डिस्कशंस हो चुका है. ओके, तो प्लीज जाके देख सकते हैं. अब अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. देखिए, डिस्काउंट बेस पर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में रहेगा, आपको 100% समझ में आएगा. जो चीज़ नहीं समझ में आए तुरंत टाइप कर दीजिएगा, सर हमको नहीं समझ में आई है. ओके, अच्छा लेवल का DI, थोड़ा हाई है बट इतना हाई नहीं है कि आपको ना शोल हो, राइट, थोड़ा हाई है बट ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट. स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स, यानी कि ये टेबल दे रखी है, इसको अपने ध्यान से पढ़िएगा. एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, जो आंसर अभी क्वेश्चन आएंगे आप सामने उसका आंसर आपको देना है. द टेबल शोज, टेबल दिखाती है, कहती है द डिस्काउंट रेट, यानी कि जो रेट दे रखे हैं 20%, 30%, 25%, ये आपके डिस्काउंट रेट्स हैं. रेट फॉर 4 डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट शॉप, यानी कि जो शॉप दे रखे हैं ये शॉप्स हैं ABCDE, और आइटम्स दे रखे हैं 4 आइटम्स हैं आपके पास. ओनली 1 आइटम ऑफ ईच टाइप ऑफ दिस ईच शॉप, यानी कि एक आइटम एक शॉप के लिए है. तो कि तो ये आपके पूरे डिस्काउंट से रिलेटेड एक तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा DI है. ओके, तो प्लीज आपको समझ में आया होगा. एंड देन वन मोर थिंग्स, देखिए नोट्स दे रखा है यहाँ पर,
मार्केट प्राइस ऑफ ईच आइटम्स इज सेम इन ऑल द शॉप, यानी कि जो मार्केट प्राइस है जो सभी की, यानी कि इसकी मार्केट प्राइस निकलेगी जो सभी शॉप के लिए एक ही होगी आइटम फर्स्ट के लिए, और अगर आपने इसकी मार्केट प्राइस निकाली तो सभी आइटम की सेम रहेगी इनकी शॉप के लिए। अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, अगर नोट्स आपने ढंग से नहीं पढ़ा है क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेगा। ओके आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके क्वेश्चन से सारा कुछ डाउट तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए मैंने टेबल्स दे रखी है। ओके अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ओके दुकान ई में, राइट, अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, द सेलिंग, जो इंग्लिश में प्रॉब्लम वो हिंदी में देख सकता है, मैं बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम टू, आइटम टू में सेलिंग प्राइस, आइटम टू दिस इज द ये। ओके वन सेकेंड मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले ये रहा आइटम टू, सेलिंग प्राइस के डिस्कशंस हो रहे हैं, शॉप ई, ई की बात हो रही है, ये रहा 15% डिस्काउंट है, 8500 यानी कि 8500 आपके सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन है, राइट, तो अपने पास डिस्काउंट भी गिवन है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं अपनी मार्केट प्राइस। ओके तो मार्केट प्राइस पहले निकाल लीजिए, देन आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, आपके पास सेलिंग प्राइस होनी चाहिए और डिस्काउंट होना चाहिए और मार्केट प्राइस अपने पास आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों में से कोई दो चीज आपके पास होनी चाहिए तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, राइट। देखिए तीन चीज होती है, सीपी, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तीन चीज होती है आपको मालूम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस आपके मार्केट प्राइस कब निकलती है, जब डिस्काउंट रेट दे रखा होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे निर्भर रहते हैं सीपी और एसपी, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या था, ये डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है आपको, दे रखी है ये सेलिंग प्राइस आइटम टू की ई की बात हो रही है, राइट, की 8500 ये आपकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है 15%, तो माय डियर एस्पिरेंट्स अपन कह सकते हैं कि यहां पर अगर 100 है तो ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी, इफ 100 माइनस डिस्काउंट 15 का तो है 85, राइट, 85, तो 85 की वैल्यू अपने 8500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी अपने मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू अपने पास आएगी 10,000, राइट, 10,000। ओके क्लियर हो रहा होगा आई होप आपको, देखिए जगह कम है तो थोड़ा इजीली शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा केवल। ओके ओके तो अपने पास ओनली फॉर सीपी नहीं आई है ई की। अब देखिए मार्केट प्राइस इसकी, इट मीन्स मार्केट प्राइस 10,000 इसकी मार्केट प्राइस हो चुकी है, अब इन्हीं मार्केट प्राइस को अपन को लेके चलना है, क्योंकि एग्जाम्स क्वेश्चंस का पहले ही रेड कलर के नोट्स में दे रखा था कि सभी जो मार्केट प्राइस है सभी शॉप्स के लिए एकदम ईच है, प्रत्येक आइटम के लिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ये बता देता हूँ, ये देखिए ये देखा है, मार्केट प्राइस ऑफ ईच आइटम्स इज सेम ऑल द शॉप, सेम इन द ऑल शॉप्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस क्या पूछा है अपने पास, मार्केट प्राइस आ जाए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम टू इन शॉप बी 4,000 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है आइटम टू और बी में, आइटम टू ये रहा और बी में कॉस्ट प्राइस दे रखी है, अब बी की बात हो रही है, बी में आइटम टू में चलते हैं, देखिए बी में पूछा क्या है, अब देखते हैं, 4,000 दे के फाइंड द प्रॉफिट ऑफ एन सेलिंग प्राइस आइटम टू, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हो गए आप तो। अब देखिए यहां पर सीपी, यहां पर एमपी, राइट, यहां पर एसपी, राइट। अब देखिए सेलिंग मार्केट प्राइस अपने पास 10,000 गिवन है क्योंकि अपन ने निकाली थी ई से, राइट, अगर अपने पास ये नहीं दे रखा हो तो अपने पास डिफिकल्टी हो सकती थी, और अपने पास डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है 35%, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, कॉस्ट प्राइस भी अपने पास गिवन है 4,000 रुपीज। ओके अपने पास पूछा क्या है, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट पूछा है, तो एसपी माइनस सीपी अपने पास पूछा है टू का, यानी कि आइटम टू में बी का, तो एसपी माइनस सीपी अपने पास प्रॉफिट होगा। ओके अब देखिए अपने पास एसपी फाइंड आउट करनी, तो एसपी अपने पास गिवन होगी 35% अपने पास डिस्काउंट है, तो 100% अगर ये है तो 35% यानी कि लेस कर देंगे तो आपकी 65%, 65 हुआ तो 100 की वैल्यू 10,000, तो 65 की वैल्यू 6500, राइट, तो देन अपन निकाल सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू देखिए 6500 माइनस 4,000 इजिकल टू अपन कह सकते हैं 20
2500, right? 2500 is the correct answer of this question. C is the correct answer of this question. I hope so, guys, clear हुआ होगा, समझ में आया questions? अगर यहाँ सर कुछ questions अच्छा लगा, कोई भी आपका doubts हो comment box में type कीजिएगा. अच्छा लगा तो please like button भी press कर दीजिएगा. Okay, moving on चलते हैं next पे. अच्छा questions था, I hope आपको समझ में आया होगा. देखिए ये भी आपके सेकंड क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है. द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप 4:5 है. 4:5 है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो. तो 5x अपन 4x मान सकते हैं. द प्रॉफिट ऑब्टेंड 4b, राइट, 4b तो यानी कि इनका प्रॉफिट भी दे रखा है 3000. अपन निकाल सकते हैं फिल को इजीली. देखिए 5x प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP जो अपने पास गिवन है 3000, एंड x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं तो 3000, राइट. तो अपन सेलिंग प्राइस अपने पास आई कितनी आई, 5x की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 15000, 5x इंटू 3, राइट. तो एक्स अपने पास सेलिंग प्राइस कितनी आई, 15000. तो दैट इज द करेक्ट, इट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट, देख सकते हैं, राइट. फाइंड द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द फोर्थ आइटम्स. ये फोर्थ में ही पूछा है सेलिंग प्राइस इन ई का पूछा है अपने पास सेलिंग प्राइस. दोनों का मार्केट वैल्यू जो अपने पास देखिए निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की अपने पास सेलिंग प्राइस है, राइट. बी की सेलिंग प्राइस है, देखिए मार्केट वैल्यू और एसपी अपने पास गिवन है 15000 बी की, और डिस्काउंट रेट अपने पास दे रखी है 25%, यानी कि 100 की वैल्यू ये है तो 25% की वैल्यू तो 75% होगी, राइट. या इसको काट लीजिए 4 जा एंड 3 जा, राइट, एंड देन 3 की वैल्यू 15000 तो 4 की वैल्यू 5 times यानी कि 5000, और 4 की वैल्यू अपने पास कह सकते हैं तो 5 4 20, ओके. तो 20000 आपकी मार्केट वैल्यू हो गई. अब देखिए क्वेश्चंस पूछा है मार्केट वैल्यू 20000 है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 20000 यहाँ पर मार्केट वैल्यू है 20000, ओके. अब पूछा है 20% यहाँ पर इसका डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट हुआ तो माय डियर स्पेंस अपन कह सकते हैं एब्सोल्युटली 20% इसका 20000 का 20% कितना हुआ, 10000 टू 10% 2000 एंड 20% इसका डबल कर दीजिए 4000, 4000 इसमें से लेस कर दीजिए 20000 माइनस 4000 यानी कि 16000, राइट. एंड प्लस पूछा क्या है, फाइंड द सम मार्केट प्राइस, अपने पास 20000 यानी कि ये रहा, ओके. दोनों का सम करना था तो 36000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 36000 ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का पूछा था ई में, तो अपन ने निकाल दिया. अगर डाउट्स हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी लेवल में, कि एग्जाम्स में मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, ओके. तो ई इज द करेक्ट. नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट आपका द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम टू. आइटम टू में कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, ये रहा आइटम टू, ये रहा, ओके. ई 5000 कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ई में, ई की बात हो रही है आइटम टू में, ओके. 5000 कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस अपने पास गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस अपने पास कीवर नहीं है, तो दे रखी है तो अपन 5000 यहाँ लिख दिया. एंड 70% प्रॉफिट ऑब्टेंड बाय ई आइटम टू, सेम आइटम और सेम आपकी शॉप है, तो इट मीन 70% प्रॉफिट इसका करेंगे तो 3500, तो इसमें 3500 ऐड कर दीजिए तो दैट मीन आपकी सेलिंग प्राइस होगी 8500, राइट. अब पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम टू इन शॉप ए, यानी कि ए में आपकी आइटम टू इन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम टू में शॉप ए में आपकी सेलिंग प्राइस पूछी है, तो 30% की वैल्यू आपको पूछी है, राइट, दैट इज द 30%. तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं 35%, राइट. यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू अपने पास ई की वैल्यू, राइट, ई की वैल्यू दे रखी है तो 85000, तो अपने पास MRP आई 10000 रुपीज़ आपके पास MRP है, तो सेलिंग प्राइस अपन निकाल सकते हैं 30% इसका लेस कर दीजिए तो देन आंसर विल बिकम 7000 रुपीज, राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई रिपीट अगेंस्ट, देखिए 35% थी
4000 था, 5000 था, 5000 का 70% प्रॉफिट से एसपी हुआ ई की, राइट, ई की हुआ 8500, राइट, 85 के अपने पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट गिवन है, तो मार्केट प्राइस अपने पास आई 10000। अब उसने पूछा सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम टू इन ए, आई में 30% का डिस्काउंट है, तो 30% इसमें से लेस कर दीजिए डिस्काउंट का, 10000 का 30% लेस किया 3000, तो अपने पास आंसर आया सेलिंग प्राइस के बेसिस पे 7000। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया सारे के सारे क्वेश्चन को, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ऑल ओवर ग्रुप्स में, सर्कल्स में, किसी भी ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।